तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो बांग्लादेश की अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है बहुत ही खराब चल रही है। जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने पूरे बांग्लादेश एक ऐसा खतरनाक माहौल पैदा कर दिया है। जगह जगह उन्होंने तोड़फाड़ करनी शुरू कर दी है, आग लगा दिया है। और जो शेख हसीना है, जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनके पीएम हाउस में जाके भी उन्होंने काफ़ी तोड़फाड़ करी और चीज़ें चुराई वहाँ से। शेख हसीना कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो अपनी बहन के साथ एक हेलीकॉप्टर के थ्रू अगरतला, जो इंडिया है, वहाँ पे आ गई हैं। और अभी जल्द ही उनकी तरफ से खबर आई है कि वो यूके जाने वाले हैं, तो वो यूके जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी दौरान जो बांग्लादेश में जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने काफ़ी बुरे हालात वहाँ पे बना दिए हैं। पुलिस कर्मी और जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रदर्शनकारी, उनके बीच में लगातार झड़प हो रही है। और इसी बीच सुनने में आया है, जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है बांग्लादेश में, उसी का फ़ायदा उठाते हुए जो वहाँ पे बांग्लादेश में शेरपुर जेल जो है, वहाँ से 500 कैदी जो है वो फरार हो चुके हैं, जिनमें 40-50 जो कैदी हैं वो खतरनाक आतंकवादी भी हैं। ये सब लोग रुख कर रहे हैं, जो बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर है, जो 4,000 किलोमीटर दूर है, उस तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया भी एंटर कर सकता है। तो भारत सरकार ने जितने भी जो भारतीय सेना है, जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में जो तैनात है, उनको सतर्क कर दिया है। कोई अगर ऐसे जो कैदी है, अगर उनको देखा जाएगा तो उनके साथ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो ये बहुत ही सीरियस और डेंजरस न्यूज़ है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी बांग्लादेश में, उस दौरान उसको ताक पे लेते हुए जो कैदी है, 500 कैदी, खतरनाक कैदी, वो शेरपुर जेल से वो रिहा हो चुके हैं, वो भाग गए हैं। ये जो है क्रिमिनल्स हैं, कैदी हैं, खतरनाक खतरनाक कैदी हैं, तो ये कहीं पे भी घुस सकते हैं, कहीं पे भी जो अपनी एक्टिविटीज़ है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, कर सकते हैं। बांग्लादेश के लिए बहुत ही खराब समय चल रहा है। और होप ये जो प्रॉब्लम चल रही है बांग्लादेश में, ये जल्दी से जल्द सॉर्ट आउट हो। और जो वहाँ की जो आर्मी है, उनको ये जो क्रिमिनल्स जो अभी रिलीज़ हुए हैं, तो उनके बारे में कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। नहीं तो ये जो कैदी जो फरार हुए हैं, तो आगे कुछ भी वो क्राइम कर सकते हैं, जिससे हिंसा जो है और बढ़ सकती है। तो वहाँ की आर्मी को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन जल्द से जल्द लेना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरीके की और भी वीडियोज़ आएंगी। तो टिल देन, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।